अच्छा मतलब जो है उसके सर्दी मीडिया ऐसी हो गई थी, डॉक्टर साहब के वहाँ लेके आया तो डॉक्टर साहब कहने लगे जो है मीडिया से मशीन में रखा जाएगा, कोशिश करेंगे ठीक ठीक हो जाएगा। उसके बाद में बच्चे को जो है डॉक्टर साहब देखने भी लगे, वो जब नर्सें जो है इसके इलाज करती हैं और उसके बाद ये बच्चा ख़त्म हो गया, डॉक्टर साहब कह रहे हैं पैसा जमा करो तो आगे हम इलाज करा देंगे। बच्चा ख़त्म होने के बाद पैसा मांग रहे हैं? हाँ, पैसा मांग रहे हैं कि ये जो है पैसा जमा करिए और जो है मतलब हम इलाज इसका बच्चे का शुरू करें, पैसा जमा नहीं होगा तो इलाज कैसे करेंगे। अच्छा, बाद में बच्चा लेके आया तो बच्चा जिंदा था, उसको ले जाके मशीन में रखा, उसके बाद बोला इलाज कर रहे हैं, उसके बाद आधे घंटे बाद बोला फीस जमा करिए 12,000 ठीक है। उसके बाद जब हम लोगों ने बच्चा देखा तो बच्चा मर चुका था, हम और हमारे फ्रेंड है सबके अंदर थे, उसको देखा तो बच्चा मरा हुआ था, तो डॉक्टर बोलते 12,000 रुपये दीजिए तो बच्चे का इलाज करें। जब 12,000 रुपये पैसे मांगे, फीस जमा करिए तो बच्चे का इलाज करें। फिर आप सही तो बोले थे तो डॉक्टर ने भी चेक करेंगे, बोले थे डॉक्टर हो क्या भी चेक करूँगा, जब अंदर जब अच्छी हो उसके कैसे पता चला, 12,000 रुपये दीजिए तो चेक करा जाएगा बच्चे के लिए। फिर बोल रहे बच्चा अभी 5 मिनट पहले मरा, फिर बोले थे मरा बच्चा लेके आए थे। क्या कहा? मतलब बोला बच्चा 5 मिनट पहले मर चुका है, फिर उसके बाद बोला कि बच्चा मरा लेके आए थे, मतलब बात उसको टाल रहे हैं। हाँ डॉक्टर साहब, क्या मामला था कि बच्चे का, जो बच्चा मृत हुआ है मृत, उसके परिजन आरोप लगा रहे हैं कि 12,000 रुपये घूस मांगने का, क्या क्या है वास्तविकता? ये बच्चा हमारे यहाँ लमसम भाई 12 बजे के आसपास आया है और बहुत सीट बच्चा था, एसपीटी अरेस्ट में था और हमने उसको बचाने के प्रयास में अपना वेंटिलेटर में डाला, उन्होंने किसी पेमेंट जमा कराने के लिए उन्होंने पेमेंट नहीं जमा किया, क्या डॉक्टर साहब अभी आ रहा है अभी आ रहा है अभी आ रहा है, तो वो सिर्फ पैसा ना देने की वजह से, अच्छा बच्चा ऑल ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट में उसी समय चला गया, उन्होंने पैसा ना देने की वजह से इस तरह की बात हमने।